नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एट डेवलप पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 77 गणित क्लास 10 हिंदी मीडियम। रिवीजन चल रही है बेटा, वास्तविक संख्याएं पुनरावृत्ति रिवीजन 2 है वास्तविक संख्याओं की। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है आपको। 2.3 बार ये लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर बार लगा हुआ दिख रहा होगा आपको। अभी चार ऑप्शन है, शांत दशमलव संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, या ए और बी दोनों है, शांत और परिमेय। सबसे पहली बात शांत जानिए, शांत का मतलब होता है पूरी तरह से विभाग हो जाना। तो अब ये 2.3 बार का मतलब क्या, तीन पांच बार बार आता रहेगा ऐसे ही, है कि नहीं? तो ये कभी, ये अगर हम इसको ऊपर नीचे ऐसे लिख के भाग करेंगे, भाग नहीं होगी। सबसे पहली बात दशमलव ये शांत नहीं है, अपरिमेय भी नहीं है, क्योंकि इसको हम पी बटा क्यू में लिख सकते हैं। क्लास 9th में आपने इसे किया था, तो आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा। अब ये बताना है ये क्या है, परिमेय है, अशांत है या अपरिमेय है। अशांत तो ये है, अपरिमेय अपरिमेय, अपरिमेय तो है नहीं क्योंकि पी बटा क्यू में नहीं लिख सकते। अब ये देखिए, बार 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 नहीं आ रही कोई चीज, रिपीट नहीं हो रही है। तीन दो बार एक, फिर तीन तीन बार एक, तीन चार बार एक, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, एन की कौन सी छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ले, यानी n की वैल्यू हम क्या ले, प्राकृतिक बोल रहे हैं यानी आप एक से लेंगे। n का मान अगर हम एक लेते हैं, 24 की घात एक 24 होगा, और 24 8 से भाग्य हो जाता है, तो ये विभाज्य हो जाता है, तो आंसर होगा सी। बाई चांस ये विभाज नहीं होता तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 156। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं इसके। सेकंड क्या था, 156 था, एंड थर्ड वन था 3825, ठीक है, बुक के क्वेश्चन है ये, यस। 140 के गुणनखंड कीजिए, 2 × 7 = 14, 0, 2 से जाएगा, 2 × 3 = 6, 5 आ जाएगा, 5 × 7 = 35। अभाज्य गुणनखंड ये होते हैं, ठीक है, 2 × 2 × 5 × 7। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे 2 2 बार है, तो 2 × 2 × 5 × 7, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब 156 का कीजिए, 2 से जाएगा, 2 × 3 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 18, ठीक है, 3 से जा रहा है, 3 × 3 = 3, 3 × 9, तो लास्ट में ये मर्जी है आपकी, इसको काटना है ऐसे काट सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ये आ गया 2 × 2 × 3 × 13, 2 2 बार है ना ये, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है बच्चे। अब इसका गुणनखंड कीजिए, 3 × 8 = 2 = 5, पीछे 5 है ना, तो ये 5 से ही जाएगा, 5 × 7 = 35, 1 इसको दिया, 5 × 10 = 2, 2 इसको दिया, 5 × 5 = 25, फिर 5 से गया, 5 × 5 = 5, 2 दिया, 5 × 2 = 20, 2 इसको दिया, 22 में से 20 गया, 5 × 5 = 25, फिर 5 से जा रहा है ये, 5 × 7 = 35, तो 3 इसको दिया था ना, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 5 × 6 = 30 और 5 × 5 = 25, 5 × 5 और यहां आएगा 2 इसको दिया, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। अब ये जाएगा किससे आएगा बच्चे, 3 से जाएगा, इनका टोटल 9 है ना, देखिए 9 3 से जाता, तो ये भी 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 3, फिर 3 से जाएगा, 5 × 1 = 6 होता है, 6 3 से जाता है, तो ये जाएगा 3 × 3 ये 17 आ गया, तो 17 तब गुणनखंड आ गया 5 × 5 × 3 × 3 × 17। 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 × 2 × 3 × 2 = 17 आ गया, क्लियर हो गया। ये पहला क्वेश्चन तो हो गया, ये सेकंड हो गया हमारा, सेकंड के तीनों पार्ट हो गए। अब ये दो संख्या, इनका एचसीएफ हमें दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो देखिए फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 3 का हम यही कर देते हैं कि एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, 306 × 657। तो एचसीएफ आपको 9 दे रखा है, बुक का सवाल है ये भी, एलसीएम निकालना है 306 × 657, तो LCM होगा 306 × 657/9, तो ये कट जाएगा, 9 × 3 = 27, 9 × 6 = 36, 34 को 657 से गुणा कर लो,
तो आंसर पता चल जाएगा, कितना आंसर आएगा, तो यह आएगा 22,338, 22,338। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन 4, 7 × 11 × 13 × 13 क्या यह भाज्य संख्या है? भाज्य का मतलब क्या होता है, कि एक से अधिक गुणनखंड हो जाए किसी भी संख्या के, तो चलिए करके देखते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, 7 × 11 × 13 × 13 है यहाँ पे, और यहाँ 1 आ गया। अब देखिए ये कॉमन आ रहा है ना 13, तो हम 13 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7 × 11 × 1, यह आएगा 13, 11 × 7 = 77 में 1 जोड़ दिया 78, 78 के भी खंड कर सकते हो और नहीं भी, मर्जी भी है तुम्हारी। तो ये हो जाएगा 13 × 13 = 78 होता है ना, तो अब ये गुणनखंड हो गए कि नहीं हो गए, तो हम ये देख रहे हैं इसके संख्या जो भी थी हमारे पास 2 से अधिक भाजक हैं, भाजक या गुणनखंड है, भाजक हैं, तो लिख देंगे इसीलिए ये है भाज्य संख्या है। अच्छा इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर 5, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 5, तो हम देख रहे हैं 5 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और 1 की जरूरत नहीं है, = 1, इसके साथ अगर 1 लगा ले तो 1 बचता है, तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आपको करना है। तो ये अगर आप गुणा करेंगे इन सबको, तो 7, 6, 42 और ये सब गुणा करेंगे तो 1008 + 1 आएगा, यानी हो जाएगा 5 × 1009, तो 2 तो आ ही गया ना, इसके 1 से अधिक गुणनखंड हो जाने चाहिए, बस सीधी सी बात है, 1009 लिख देंगे, यह है भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा हो गया, सिद्ध करना है कि इनका अंतर और भागफल, ये लिखा ना अपरिमेय संख्या, तो 3 × 2√3, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर निकालते हैं, 3 × 2√3 और फिर अंतर 3 / 2√3, अब क्योंकि अंतर है तो ब्रैकेट लगाना पड़ गया, अब ब्रैकेट को हम खोलेंगे, 3 × 2√3 / 3 और > 2√3, 3 से 3 कट गया, दोनों एक जैसे हैं, ये 2√3 / 2√3, तो ये हो जाएगा 4√3, रूट इसके अंदर है ना, तो लिख देंगे ये है अपरिमेय संख्या है। अब इसका भागफल भी देखना है, तो हम भागफल जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, बटे में लिख देंगे 3 × 2√3 / 3 / 2√3, आप इसको कुछ भी कर लीजिए, चाहे परिमेयकरण कर लीजिए, चाहे कुछ कीजिए, अब आपका रूट हटने वाला नहीं है, है ना, इसमें तो हम अगर हर का परिमेयकरण करें 2√3, तो यहां माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा क्या, ऊपर बन गया, दोनों एक जैसे हैं तो ये बन गया 3 × 2√3 a / b² बनेगा, और नीचे है a + b, a - b, यानी a² - b², ऊपर फॉर्मूला लगा है a + b² आप लोग कमेंट में बताइएगा, और नीचे है a² - b² का फॉर्मूला कमेंट में जरूर बताइएगा, a² + b² होता है a² + b² यानी 2√3² + 2 × a × b, और नीचे हो गया a² - b² यानी 9 आ गया, ठीक है, और ये आ गया 4 × √3 / 3 होता है, ये जो है a + b, a - b से बना है, ठीक है, ध्यान रखना है ये आपको, यहाँ पे a + b, a - b था, वो बराबर a² - b² का, तो ये कितना है बेटा 9 आ गया, और 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये हो गया 3, 3 × 6 × 12, 12√3, नीचे हो गया 9 × 4 = 12, ठीक है। अब
अब देखिए ऊपर हो गया 12 हो गया, ये चार तीन 12, 12 और 9 21, 21 माइनस 12 रूट 3 बटा माइनस 3, ये आएगा ना। तो हम 3 अगर कॉमन ले ले, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12 और नीचे भी 3 है, तो वैसे भी तो रूट रह ही गया ना, तो लिख देंगे ये है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट रह गया, रूट बाहर नहीं आ सकता तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि 6 जमा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, क्वेश्चन 6 मानेंगे कि माना 6 जमा रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर हम किसी संख्या को परिमेय संख्या मानते हैं तो उसे किस रूप में लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो ना p बटा q के रूप में, तो इसका मतलब 6 जमा रूट 2 को p बटा q में लिख सकते हैं, इसमें q 0 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 6 को उधर भेज देंगे तो रूट 2 बराबर हो जाएगा p बटा q माइनस 6, क्लियर हो गया। अब अगर हम इसको ये प्रूफ कर दें कि रूट तो एक अपरिमेय संख्या है, तो सवाल हमारा हो गया। अब क्या सिद्ध करना है, अब सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये हमें सिद्ध करना है। चलिए मानते हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, हम उल्टा मान के चल रहे हैं। अगर रूट 2 परिमेय संख्या है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, तो a बटा b मान लेते हैं क्योंकि p बाय q तो ऊपर हो चुका है ना, तो इसे हम a बाय b के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें नीचे वाला हर शून्य नहीं होना चाहिए। अब हम इसे क्रॉस करते हैं तो a बराबर हो जाएगा रूट 2 b, दोनों तरफ अगर हम वर्क करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग रूट 2 बी का वर्ग। तो ये बताइए a का वर्ग क्या आया, a का वर्ग तो a वर्ग ही आएगा, और रूट 2 का वर्ग 2 होता है, ये b वर्ग, इसका मतलब यह है a स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, यानी जो a स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य होगा, a स्क्वायर इसका मतलब यह है 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये भी है कि a स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा, अगर 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब 2 के पहाड़े में a आता होगा किसी ना किसी नंबर पे, तो हम a बराबर मान लेते हैं 2 c समथिंग। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इसको 1 मानते हैं, 1 तो ऊपर मान चुके हैं ना, हम इसको 2 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, तो 2 और 3 से, 2 और 3 से एक ही जगह हमने 2 सी रख दिया, वहां था रूट 2 बी, यही था ना, देखिए 2 में, यस। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, फिर से वर्ग करेंगे, तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और ये सी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 2 सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आ गया, इसका ये मतलब होता है कि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य मतलब 2 के पहाड़े में आएगी, और अगर बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बी भी 2 से विभाज्य है, मीन्स कि जो एच सी एफ है ए और बी का 2 आ गया, लेकिन जो एच सी एफ ए और बी का यानी प्राइम नंबर जो परिमेय संख्या होती है उनका एच सी एफ हमेशा कॉमन ओवेनिस्ट एक ही होता है, और ये दोनों कंडीशन विरोधाभास आई हैं, तो इसीलिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब रूट 2 अगर अपरिमेय संख्या है तो रूट 2 में हमने नंबर 1 को माना था ना, तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी, तो रूट 2 किसको माना था हमने, p बटा q ना, p बटा q माइनस 6 को, इसका मतलब ये है कि p बटा q माइनस 6 भी एक अपरिमेय संख्या है, ये बोल सकते हैं 6 जमा रूट 2 वो एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या कह रही है, क्वेश्चन 7 कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q प्लस प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। अब हमें यह बताना है कि कोई भी धनात्मक तो हम मान लेते हैं, देखिए कि
मान लेते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन सात कि माना एक धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक है तो हम ए को और बी भी मान लेते हैं, ठीक है, और तथा बी बराबर दो मान लेते हैं। तो ए को हम लिख सकते हैं, ए अगर धनात्मक पूर्णांक है तो वो लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर रिमाइंडर शेष होता है जो कि जीरो से बड़ा या इक्वल होता है लेकिन बी से छोटा होगा। तो अगर हमने b की वैल्यू रखी है 2q प्लस r, तो r क्या क्या हो सकता है, r तो सिर्फ b से छोटा ही होगा ना, तो यानी 0 या 1 हो सकता है। तो दो वैल्यू आ गई। तो अगर यदि r बराबर 0 है तो a कितना आएगा, bq यानी कि 2q इसके अंदर रखिए, है ना, 1 से अगर r 0 है तो ये आ जाएगा 2q, r की जगह जीरो रखिए, 2q प्लस 0 यानी कि 2q आ गया, और 2q तो धनात्मक है, दो से भाग हो जाएगी, है ना, तो ये धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। अब अगर हम r बराबर 1 रखते हैं तो a क्या बनेगा, 2q प्लस r की जगह, इस r की जगह ध्यान देना है 1 आ जाएगा, तब ये क्या होगा, धनात्मक तो है लेकिन सम नहीं है, विषम है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि a जो है जो 2q है धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, और उसको आप ये लाइन को पूरा ऐसे कैसे लिख देना इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसको जिसे 245 और 1039 से भाग करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आना चाहिए। तो करके देखो इसको, बड़ी से बड़ी संख्या वाला, ठीक है, ये कह रहा शेषफल 5 आना थी, तो हम क्या करेंगे, पहले शेषफल को ही हटा देंगे, 245 में से और 1029 में से शेषफल को हटा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे, 245 है और 1029 है, इसमें से 5 दोनों में से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 240 और 1025 बनेगा। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 240 और 1025 का निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हो उसे, आप जो भाग विधि थी उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो चलिए करते हैं, 240 है उसको 1025 से भाग, तो 240 से 1025 को भाग करते हैं, कौन सा नंबर पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 0 4 4 16 4 2 8 और 1 9 960 आ गया, 5 आया 12 में से 6 गया, एक मिनट, 5 गया तो 4 आएगा ना यहाँ पे, तो हाँ यहाँ 4 आएगा बच्चों, 4 आएगा तो यहाँ भी 4 आएगा, और 4 में से 0 गया 4 और 6 64 आ गया ना यहाँ पे। अब 240 से इसको भाग कीजिए तो कितना आएगा, 3 पे जाएगा ये, 3 चौक 12 9 आ गया 192 आ गया, ये आया 48। अब इसको भाग कीजिए, 48 64 आएगा यहाँ पे, 64 एक पे गया, 48 आ गया तो बचा 16, और फिर 48 से करेंगे तो 16 3 48 कट गया, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, वो बड़ी से बड़ी संख्या आ गई 16, यानी ये जो बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 16 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 24 15 36 द्वारा विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है, 24 15 36 से विभाजित हो, तो सबसे पहले तो हम 24 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सोच लेते हैं, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा इसमें, डाउन, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 बार 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, अब हमारे पास है 24 15 36, उससे विभाजित हो जाए, यानी 24
पंद्रह 36 के खंड कर लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 15 के होंगे, 3 × 5 36 का क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 3। तो एक तो ये तो कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है, तो उसको हम लिख लेंगे। एलसीएम निकालना है इसका हमें, तो ये तो एक बार हो गया। दो देखिए दोनों में एक एक बार लेंगे, 2 × 2 मतलब हाईएस्ट दो वाला देख लेंगे, 3 ठीक है, और एक बार 3 और फिर एक बार 3 और फिर 5, तो कितना आ गया, 2 × 2 = 4 × 8 8 × 5 = 40 और 40 को 9 से कीजिए, 9 × 4 = 36 360। अब क्या करेंगे हम, इसको 360 से भाग देंगे, किसको, 999 को 360 से भाग देंगे, 999999 से क्या आएगा, किस पाड़े पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 720, 9 आ गया, 7 आया और यहां 2 आया। अब किससे जाएगा, 9 उतारेंगे ऊपर से, 7 से जाएगा 0, ये आ गया 2520 करके देखिएगा इसे, 9 7 7 में से 5 गया 2 ठीक है। अब कौन सा 9 उतरेगा, अब ये वाला 9 उतरेगा, तो 2799 हो गया, फिर 2520 आएगा, फिर वही आएगा और फिर से 2799 ही आएगा, फिर 2520 आएगा, तो ये तो यही आ रहा है, 279 रिमाइंडर बचेगा, तो हमें इसको घटा देना है, ठीक है, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो 9 9 9 9 9 9 1 2 3 3 6 में से 279 को घटा दोगे, कितना आएगा, 9 9 9 7 2 0 है ना, यही आएगा, आप चेक करिए, ठीक है। तो ये जो संख्या है, ये संख्या क्या कहता है, 24 15 36 तीनों से पहाड़े में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है कि कैंटीन में कोक के 144 डिब्बे और पेप्सी के 90 डिग्री एक के ऊपर एक रखा गया, तो प्रत्येक डिब्बे की ऊंचाई एक ही ऊंचाई है और एक ही पेय के डिब्बों में समाहित है, प्रत्येक स्टैक के डिब्बों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो जब बच्चे अधिकतम पूछता है ना, अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ निकालना, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिए दोनों का, एचसीएफ हम निकालेंगे 144 और 90 का, तो फैक्टर कर लेते हैं यहीं पे, 144 का फैक्टर क्या होगा, करके देखिएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 16 × 144 होता है ना, और 90 का होगा 2 × 3 × 3 × 5 तो एचसीएफ कितना आ गया, जो कॉमन है 3 कॉमन है, एक बार और 3 कॉमन है और एक बार 2 कॉमन है, तो 2 × 3 × 3 3 × 9 = 18 तो क्वेश्चन ये है ना कि डिब्बो की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर होगा 18 होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, √3 और √5 के बीच में एक परिमेय और एक अपरिमेय, बहुत सारी परिमेय और अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, √3 लिख लेते हैं और √5 लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1.73 समथिंग 2 और इसकी होती है 2.236। अब इनके बीच में देखिए परिमेय संख्या एक √4 भी आती है, √4 का मतलब 2 होता है, या 2.11 कुछ भी ले सकते हैं, तो परिमेय संख्या अगर आपको चाहिए तो एक तो यही हो गई, 2 हो गई, ठीक है, एक आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में 2 के अलावा। अब अपरिमेय संख्या रूट की होगी, तो रूट की भी लिख सकते हैं, जैसे रूट में ही आपने लिख दिया √3 है ना ये, तो √3.1 ले सकते हैं, √3.2 ले सकते हैं, या आप ये भी ले सकते हैं जैसे 2. अब यहाँ पे 2 है या 1.7 है ना, तो 1.8010001001
एंड सो ऑन। तो ये भी अपरिमेय हो सकते हैं। एक एग्जांपल आप इसका और इसका जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह से हमारी वर्कशॉप पूरी होती है। आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।